नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। कलेक्टर जेके जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर स्थानीय जिला चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर रक्तदान महादान में आम लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, ऐसी भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी जिला शाखा द्वारा अपील की गई है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी अनजान व्यक्ति की जान बचा सकता है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर जिले की विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और आम नागरिक जिला चिकित्सालय में पहुंचकर 8 मई को सुबह 10:30 बजे से रक्तदान शिविर में रक्तदान कर पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी दें। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत कलेक्टर जेके जैन द्वारा नियुक्त किए गए सहायक संचालक और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के जोनल अधिकारी बीपी त्रिपाठी द्वारा जुन्नारदेव विकासखंड में 5 मई को ग्राम घुट्टी खमरा कला और 6 मई को चिखलमऊ और कोहनिया रेत में ग्राम संसद के निरीक्षण किया गया और अभियान की कार्ययोजना की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने ग्राम संसद में हितग्राही मूलक योजनाओं, स्वरोजगार योजना की जानकारी दी, साथ ही स्वरोजगार से ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने मई में विभिन्न पर्वों जैसे परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और अन्य मेले को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और दंड अधिकारियों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आयोजन के संबंध में अनुभाग स्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक कर यह समीक्षा करें कि उनके क्षेत्र में विभिन्न संप्रदाय के द्वारा कोई धार्मिक समागम, मेला और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी पर्व का आयोजन हो रहा हो तो संबंधित क्षेत्र का तत्काल भ्रमण कर आयोजित होने वाले मेला स्थलों पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। अमरवाड़ा विकासखंड अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। जिले के सभी विकासखंडों से कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 80 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें सबसे अधिक सौंसर और सबसे कम तामिया ब्लॉक के विद्यार्थी शामिल हैं। विकासखंड तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, बिछुआ, पांडुरना और छिंदवाड़ा को 14 मई और 16 मई को परासिया, मोखेड़, सौंसर के चयनित विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। प्रवेश की स्थिति सुनिश्चित होने पर 1 जुलाई को उपस्थिति देनी होगी। जिला अस्पताल अंतर्गत पुनर्वास केंद्र में हर सप्ताह आयोजित होने वाले जिला मेडिकल और विकलांग बोर्ड फिर देरी से शुरू हुआ। इस दौरान पुनर्वास केंद्र के बाहर डॉक्टरों के इंतजार में मरीज बैठे रहे, जबकि अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि टांडेरकर मरीजों की जांच करते रहे। इस दौरान करीब 8 से 10 मरीजों की जांच की गई, जबकि आंख, कान, नाक, गला और मानसिक रोगियों को इंतजार करना पड़ा। गौरतलब है कि डॉक्टरों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश कलेक्टर ने दिए थे, इसके बावजूद प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा की खबरों में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।